बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर उसकी पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई से पहले मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं उनको हम अच्छी तरह समझ लें। मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल होंगे मूड, मिजाज या कैफियत को कहा जाता है, माइल मुतवज्जे होना, बाशिंदे किसी जगह के रहने वाले, वासी, लहजा, लम्हा, दफतन, अचानक, हुजम, जिसामत, काने, कनात करने वाला, जो मिल जाए उस पर राज़ी रहने वाला, करीब नहीं फटकता, पास नहीं जाता, फ़िक्र मुआश रोज़ी कमाने की फ़िक्र, मजहका खेज़ हंसी मजाक वाली बात, नाला शेवन रोना आहजारी करना, खानगी घरेलू, बेसुरी बुरी आवाज़ वाली, नाला तंग नाराज़, खुशगुलू अच्छा गाने वाला, उकसाना किसी काम के लिए तैयार करना, अफवाह शक वाली खबर, महजूज होना लुत्फ उठाना, राग अलापना गाना गाना, हम असर एक ज़माने के एक ही दौर के रहने वाले लोग जो हैं वो हम असर कहलाते हैं, ननिहाल माँ की तरफ के रिश्तेदार और ददिहाल बाप की तरफ के रिश्तेदार, छरेरी दुबली पतली अकेहरा बदन दुबले पतले के लिए इस्तेमाल होता है, उफुक आसमान का एक किनारा, जहाँ से दूसरी तरफ देखें तो आसमान का दूसरा किनारा यानी उफुक जो है वो आफाक पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुर्दबार तहम्मुल मिजाज, रूज़ नामचा, रूज़ फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, रूज़ नामचा रोज़मर्रा जो डायरी लिखी जाती है, रोज़ का जो खाता लिखा जाता है, चुगत उल्लू की एक किस्म है, ज़ी फहम समझदार, नीमबाज अद खुली कयास आराई किसी के बारे में अंदाज़ा लगाना, मद्दाह तारीफ करने वाला, बोम ये भी एक उल्लू की किस्म है, सुधाना सिखाना, रफा दूर, बाजपोर्स पूछगिछ, कुफल ताला रकाबत दुश्मनी, और यहाँ पर एक लफ्ज़ क्यूट इस्तेमाल हुआ है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है प्यारी। इस सबक की पढ़ाई करने में ये वो अल्फाज हैं जो आएंगे, तो इनको हम पहले पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, इसके मुताबिक अब हम सबक की पढ़ाई करेंगे। वस्सलाम।